दिख रहा है क्या यहाँ पर और नीचे लिखूं? आशीष दिख रहा है? इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति। प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन चैप्टर थोड़ा सा अजीब है ये, क्योंकि इसमें सारी क्या है, थ्योरी थ्योरी है, न्यूमेरिकल कुछ नहीं आता। न्यूमेरिकल सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं इस पर, सिर्फ दक्षता पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं और कुछ भी नहीं आते। या फिर लंबर्ट को साइन ला पर आ जाते हैं, या फिर यूनिट्स आती हैं, ज्यादातर आते हैं इसके अंदर लैंप जो होते हैं उनके कार्यकाल, या जो लैंप होते हैं उनकी ल्यूमेन इंटेंसिटी कितनी दक्षता है उनकी, कितनी क्षमता है उनकी, ठीक है, लैंपों का प्रकाश कैसा है, ठीक है, कौन से कार्य के लिए कितने रेंज की ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूज किया जाता है, वो चीज है इनके अंदर इंपोर्टेंट, ठीक है। जहां इंपोर्टेंट आएगा मैं बता दूंगा। स्टार्टिंग के समय देखो प्रदीप्ति को अपने किससे ले लेते हैं, प्रकाश से ले लेते हैं, किससे लेते हैं, प्रकाश। प्रकाश का एक अलग होता है, प्रकाश को वैसे क्या बोलते हैं अपने, लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट, ठीक है। और प्रदीप्ति का भी समझने में इल्यूमिनेशन के जैसा, मतलब जैसा प्रदीप्ति है वैसा ही एक अक्षर क्या आपके पास में, लाइट है। तो लाइट से आप किसको समझ सकते हो, इल्यूमिनेशन को समझ सकते हो। लाइट के बारे में अपने क्या कहते हैं, प्रकाश क्या है कि वह जो हमें वस्तुओं का क्या करवाता है, बोध करवाता है, वो क्या कहलाता है, प्रकाश। जैसे कि मान लो आपके पास में ये कोई वस्तु है, अगर ये वस्तु अंधेरे में पड़ी है तो ये आपको दिखाई नहीं देगी, नहीं दिखाई देगी ना, ठीक है। और एक प्रकाश स्रोत से इस वस्तु पर अगर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो केवल आपको यही वस्तु दिखाई देगी, है कि नहीं है, ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और अगर प्रकाश ऐसा है कि वो चारों ओर फैल रहा है तो आपको ये वस्तु तो दिखाई देगी, इसके अलावा चारों ओर का जो वातावरण है या चारों ओर का जो सराउंडेशन है वो भी आपको क्या दिखाई देगा, दिखाई देगा सभी को, ठीक है। प्रकाश वो है जो हमें वस्तुओं का क्या करवाता है, बोध करवाता है, ठीक है। और प्रकाश की उत्पत्ति के लिए अपने को चाहिए स्रोत, क्या चाहिए, स्रोत, जिसको सोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोर्स। अपने पास में जो नेचुरल सोर्स है वो कौन है, प्रकाश का, सूर्य, कौन है, सूर्य। और कौन है, मून, मून कौन होता है, चंद्रमा को बोलते हैं, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाश के एक मूल स्रोत हैं, उनकी प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वो वस्तु अपने को दिखाई देती है, जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से और रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश से वस्तुएं अपने को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, ठीक है। अब दोनों में अंतर देखो आप, सूर्य के प्रकाश की किरणें ज्यादा है इसलिए अपने को वस्तुएं क्या दिखाई देती है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, जबकि चंद्रमा के प्रकाश की किरणें कम है, उसका प्रकाश कम है तो इसलिए, या प्रकाश की तीव्रता कम है तो उसके अपने को वस्तुएं जो है वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। इसका अर्थ ये हो गया कि कोई भी वस्तुएं अगर आपको देखनी है तो ये पूरा नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं, इतना ही कहते ना, इतना ही जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रकाश स्रोत हो और प्रकाश किरणें हो, उनके लिए अपने पास में क्या होनी चाहिए, प्रकाश की तीव्रता भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्रकाश की तीव्रता भी। तीव्रता का मतलब समझते हो, एक बहुत ही कम प्रकाश है जिसको आप आसानी से देख पा रहे हो, अब धीरे धीरे मैं उसकी तीव्रता बढ़ाता हूं बढ़ाता हूं बढ़ाता हूं, एक समय एक पॉइंट ऐसा आएगा उसके पश्चात आपकी आंखें उस प्रकाश को नहीं देख पाएगी, वो क्या बढ़ रही है, उसकी इंटेंसिटी, क्या बढ़ रही है, उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ रही है प्रकाश की। आगे बात समझ में आई, ठीक है। प्रकाश जो है उसके अनुसार से तीन चार परिभाषाएं अपने को इसकी पढ़नी है। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि इल्यूमिनेशन जो होता है, प्रकाश जो होता है, प्रदीप्ति जो होती है, उसके अंदर दो चीजें मुख्य रहेगी अपने पास में। एक तो मुख्य रहेंगे लैंप, क्या मुख्य रहेंगे, लैंप। लैंप का मतलब हो गया अपने पास जितने भी लैंप हैं, चाहे वो इनके उदीप्ति लैंप हैं, चाहे वो अपने पास गैस डिस्चार्ज लैंप है, चाहे फिलामेंट लैंप है, कोई भी लैंप है, ठीक है। लैंपों की कार्यकाल इनके अंदर इंपोर्टेंट रहता है, इनकी दक्षता, इनकी दक्षता, इनका कार्यकाल, कार्यकाल मतलब कितने समय तक ये चलते हैं, इनका उपयोग, कार्यकाल, दक्षता, इनका उपयोग। और कुछ लैंप ऐसे होते हैं जिनके अंदर अलग अलग प्रकार के रंग उत्पन्न होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले कुछ परिभाषाएं हैं वो पढ़ेंगे, उन परिभाषाओं के बाद में अपने क्या पढ़ेंगे, आगे ये लैंप्स पढ़ेंगे, ठीक है। परिभाषाओं में सबसे पहले अपने बात करते हैं ल्यूमेन फ्लक्स की, किसकी बात करते हैं, ल्यूमेन फ्लक्स की, ठीक है। इसको किससे शो करते हैं, फाई से, या किससे शो करते हैं, एफ से, ठीक है। उसके बाद अपने बात करेंगे, ल्यूमेन फ्लक्स के बाद में आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी को बोलते हैं तीव्रता, क्या बोलते हैं तीव्रता, यानी ल्यूमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं ज्योति, क्या बोलते हैं ज्योति, यानी ये ज्योति हो गई, ये ज्योति तीव्रता हो गई, या ज्योति फ्लक्स हो गया, ये क्या हो गया ज्योति फ्लक्स, ये क्या हो गई ज्योति तीव्रता। उसके बाद में फिर अपने पास में कुछ और परिभाषाएं आ जाती है, जैसे कैंडेला आ जाएगा आगे, फिर क्या आ जाएगा कैंडेला, क्योंकि इसकी इसका मात्रक क्या होता है कैंडेला होता है, फिर एक कैंडेला क्या होता है, ठीक है, मानक मोमबत्ती क्या होती है, ये कुछ एक परिभाषाएं हैं, वो अपने को लिखनी है, एक एक करके लिख लो आप, पहले लिखो आप सबसे पहले, प्रदीप्ति, हाँ प्रदीप्ति लिख लो ना पहले, इल्यूमिनेशन लिखो, प्रकाश की वह मात्रा जो हमें, प्रकाश की वह मात्रा जो हमें वस्तुओं का बोध करवाती है, प्रकाश की वह मात्रा जो हमें वस्तुओं का बोध करवाती है, प्रदीप्ति कहलाती है। आगे और भी परिभाषाएं बढ़ जाती है इसकी, और इसका मात्रक, प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है, लक्स होता है, प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है लक्स, और इसका मात्रक लक्स होता है, लक्स एल यू एक्स, लक्स साबुन आती है ना वो वाला लक्स, एल यू एक्स लक्स। फिर पहली परिभाषा लिखेंगे आप लोग, ज्योति तीव्र, ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, हेलो नमस्कार, बिल्कुल हो गई, कौन सी ब्रांच पे, वही हमेशा चलती है वही, हाँ जी देख, देखते हैं एक मिनट को, जी यहां से तो लाइव हो रही है क्लास, आशीष लखन सर को बुलाना, कई ब्रांचों पे क्लास नहीं चल रही लखन, कई ब्रांचों पे क्लास नहीं चल रही, देखो आप यार चल नहीं रही क्लास, बट्टू, बट्टू पे नहीं चल रही, मैं शुरू करूं क्लास, चलो लिखो इसमें, हाँ जी टाटा टेस्टिंग ग्रुप में मैसेज करते हैं जिसकी यहां क्लास नहीं चल रही है थ्योरी की, सभी ब्रांच वाले टाटा टेस्टिंग ग्रुप में मैसेज करते हैं जिसके क्लास नहीं चल रही थ्योरी की, ज्योति फ्लक्स में लिखो आप। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ठोस कोण क्या होता है, ये आपके पास में एक गोला है, ठीक है, इस गोले की परिधि से इसकी त्रिज्या के द्वारा बनाया गया एंगल जो है वो क्या कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है, क्या कहलाता है ठोस कोण, समझ में आ गई बात ही। और अपने पास में जो तीव्रता, जो ज्योति फ्लक्स पड़ रहे हैं अपने, उसका मतलब ये हो गया कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड, किसी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड निकलने वाले या विसरित होने वाले जो प्रकाश की या प्रदीप्ति की जो मात्रा है उसको क्या कहते हैं अपने, ज्योति फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि अपनों ने उसमें पढ़ा था, याद है आपको, किसमें, फ्लक्स घनत्व के अंदर पढ़ा था ना अपनों ने, फ्लक्स घनत्व में अपनों ने क्या पढ़ा था, पहले फ्लक्स पढ़ा था कि किसी भी एक ध्रुव से निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है, समझ में आ गई बात, ये पढ़ा था ना अपने को, तो ये वही चीज है। लिखो लिखो, किसी प्रकाश स्रोत से, इसको कम आवाज कम कर, किसी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड विसरित होने वाले, प्रति सेकंड विसरित होने वाले, विसरित मतलब निकलने वाले प्रकाश की मात्रा को ल्यूमेन फ्लक्स कहा जाता है, ल्यूमेन फ्लक्स कहा जाता है, या ल्यूमिनस फ्लक्स कहा जाता है, ल्यूमिनस फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स कहा जाता है,
इसका मात्रक ल्यूमेन होता है, इसका मात्रक ल्यूमेन होता है, इसका मात्रक ल्यूमेन होता है, फिर लिखो ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, लिखो किसी ठोस कोण पर, किसी ठोस कोण पर विसरित होने वाले ज्योति फ्लक्स की मात्रा को, ज्योति फ्लक्स की मात्रा को ज्योति फ्लक्स की मात्रा को ज्योति तीव्रता कहा जाता है। पहले फ्लक्स पढ़ा, अब फ्लक्स की मात्रा, ज्योति तीव्रता कहा जाता है। इसकी एसआई यूनिट कैंडेला होती है, इसकी एसआई यूनिट कैंडेला होती है, एक कैंडेला बराबर 0.982 अंतरराष्ट्रीय कैंडेला। ये लिख लो, एक कैंडेला बराबर 0.982 अंतरराष्ट्रीय कैंडेला, लिख लो ये, एक कैंडेला बराबर 0.982 अंतरराष्ट्रीय कैंडेला, अंतरराष्ट्रीय कैंडेला, अंतरराष्ट्रीय कैंडेला। अब लिखो आप लोग, देखो कैंडेला जो है ना, आपने मतलब ये कैंडेला जो है ये उन यूनिट में आता है जो सात एसआई यूनिट होती है, पता है ना आपको, सात एसआई यूनिट होती है ना, दूरी मतलब लंबाई हो गया, टाइम हो गया, तापमान हो गया, एम्पियर धारा का मात्रक हो गया, द्रव्यमान का मात्रक हो गया, ठीक है, उन्हीं में से एक किसका मात्रक आता है, कैंडेला का मात्रक भी किस में आता है, सात एसआई पद्धतियों में आता है। और एक कैंडेला कितने एसआई कैंडेला के बराबर हो गया, 0.98 के बराबर होता है, एक कैंडेला बराबर होता है 0.982 अंतरराष्ट्रीय कैंडेला, ठीक है। तो ये एसआई यूनिट है इसकी, ये क्या है इसकी एसआई यूनिट, और ये सात एसआई यूनिट में ही काउंट होता है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे वाली जो परिभाषाएं हैं वो अपने बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ एक अलग चीजें हैं जिनमें प्रकाश व्यवस्थाएं हैं, प्रकाश व्यवस्थाएं हैं प्लस कुछ अलग चीजें हैं, जैसे आप लोग दसवीं क्लास में पढ़ते आए हो, परावर्तन अपवर्तन पढ़ा है ना आप सभी ने, ठीक है, उनको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देते हैं आज, उसके बाद में फिर अपनी सारी परिभाषाएं लिख देंगे, ठीक है। और हो सकता है कुछ एक परिभाषा ना भी लिखाऊं तो आपको नोट्स में मिल जाएंगी सारी, ठीक है, नोट्स में टाइप है बिल्कुल सारी परिभाषाएं अच्छे से। पहले आप लिखो प्रकाश व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था। देखो भाई प्रकाश व्यवस्था को ध्यान से समझना, अभी आपके सामने ये लाइट्स लगी हुई है, लगी हुई है ना, जो बोर्ड पर आ रही है, इनका सारा प्रकाश किसी ओर है, मेरी ओर है, और आपकी ओर इसका प्रकाश क्या है, कम है। प्रकाश व्यवस्था का मतलब ये हो गया कि चार प्रकार से आप प्रकाश का यूज कर सकते हो। पहला प्रत्यक्ष रूप से, कैसी व्यवस्था, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, इसको समझा दूंगा मैं क्या होती है। दूसरा अपने पास में कौन सा होगा, अर्ध प्रत्यक्ष, कौन सा होगा, अर्ध प्रत्यक्ष, अर्ध प्रत्यक्ष। तीसरा हो जाएगा अपने पास में अप्रत्यक्ष, कौन सी हो जाएगी, अप्रत्यक्ष, इसको बोलते हैं डायरेक्ट लाइट, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लाइट, इसको बोलते हैं सेमी डायरेक्ट,
और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लाइट का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर 90% जो प्रकाश है वो किस पर गिरता है, जमीन पर या वस्तु पर गिरता है, और 10% प्रकाश का जो है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जो इधर उधर फैल जाता है। समझ में आ गई बात? ये अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश में क्या होता है, 60 से 90% प्रकाश जो होता है वो कहां पर आता है, भूमि पर, और उसके बाद में बचा हुआ जो है 10 से 40% कितना हो गया, 10 से 40% उसका क्या हो जाता है, इधर उधर लॉस हो जाता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, इसका जस्ट उल्टा मतलब 90% का तो क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है, और 10% जो है वो क्या होगा, इधर उधर। यानी उल्टा का मतलब ये हो गया, इसका 90% प्रकाश तो है ना वो छत की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, छत की तरफ, और 10% प्रकाश कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ऐसी व्यवस्था क्यों संभव हो चुकी, उसके लिए बीच में एक युक्ति यूज की जाती है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर को हिंदी में बोलते हैं परावर्तक। क्या बोलते हैं, परावर्तक। अब आप सभी ने परावर्तन पढ़ा है ना, ठीक है, परावर्तन मतलब वह सतह है, परावर्तन मतलब होता है जब प्रकाश किरणें किसी एक सतह पर आई और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई, वो तो होता है प्रकाश का परावर्तन। अब जो सतह है वो किसका काम करती है, परावर्तक का, यानी जिस सतह से प्रकाश किरणें टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई उसको क्या कहते हैं, परावर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक। समझ में आ रही है बात ये, ठीक है। आप सभी ने टॉर्च देखी है बचपन में, ठीक है, उस टॉर्च में यूं इस प्रकार की आकृति की एक युक्ति लगी होती है, ऐसे लगी होती, नहीं लगी होती, ठीक है, क्यों लगाते हैं वो, ताकि प्रकाश ज्यादा दूरी तक जा सके, फैलने से रोकने के लिए, फैलने से रोकने के लिए। आप एक काम करना, कभी ये रिफ्लेक्टर बाहर निकाल के उसकी टॉर्च को ऑन करके देखना, तो कुछ दूरी पर ही उसका प्रकाश जा पाएगा। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टर नहीं है। बाइक की हेडलाइट जो होती है, हेडलाइट होती है ना बाइक की, उसके अंदर चमकीला सा पेपर दिखाई देता है आपको, दिखाई देता है ना वी आकार से, वो भी क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है। अगर रिफ्लेक्टर ना हो तो बाइक का प्रकाश भी इधर उधर फैलने लग जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्टर से मान लो क्या करता है, रिफ्लेक्टर यहां से प्रकाश उत्पन्न हुआ तो वो यूं टकरा के ऐसे, यूं टकरा के ऐसे, यूं टकरा के ऐसे, सारा प्रकाश जो है वो एक माध्यम में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इसलिए क्या लगाया जाता है, रिफ्लेक्टर। तो यानी कि प्रकाश व्यवस्था में अहम भूमिका किसकी होती है, रिफ्लेक्टर की, किसकी होती है, रिफ्लेक्टर की। और रिफ्लेक्टर बनाने के लिए अपने को जो ऐसे पदार्थ की उपयोग करना है जो प्रकाश का क्या कर सके, परावर्तन कर सके, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड। किसका यूज करते हैं अपने, सिल्वर ब्रोमाइड, जो आपके शीशे होते हैं ना, दर्पण होते हैं, उसके पीछे जो करते हैं ना सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट चढ़ाया होता है। किसका चढ़ाया होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो आप देखते हो शीशे में, आप अपना चेहरा देख पाते हो ना, इस शीशे में देख पाते हो क्या, नहीं देख पाते, क्यों, क्योंकि इसके पीछे क्या नहीं है, रिफ्लेक्टर नहीं है, इसके पीछे क्या नहीं है, रिफ्लेक्टर नहीं है, इसलिए अपना चेहरा इसके अंदर नहीं दिखाई देता। आगे बात समझ में, ठीक है, लिखो इसके अंदर सबसे पहले प्रकाश, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था लिखो। इस प्रकाश व्यवस्था में, इस प्रकाश व्यवस्था में, प्रकाश व्यवस्था में नब्बे प्रतिशत प्रकाश भूमि की सतह पर तथा 10% प्रकाश की हानि हो जाती है, 10% प्रकाश की हानि हो जाती है, 10% प्रकाश की हानि हो जाती है। लिखो, इस व्यवस्था का उपयोग कहां पर करते हैं बताओ, लिखो, इन व्यवस्था का उपयोग, हां सही कह रही है, स्टडी या पढ़ाई से संबंधित कार्य में, पढ़ाई से संबंधित कार्य में, टेबल टेनिस इत्यादि गेम में। टेबल टेनिस गेम देखा हुआ क्या, नहीं देखा हुआ, देखा हुआ है, हाँ, उस पर टेबल पे जो मेज लगी होती है ना, जो देखना कभी, वो टेबल, टेबल पर प्रकाश पूरा आता है उसका, इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक फ्लड लाइट का नाम सुना होगा,
कैदियों के ऊपर लगाते हैं वो, जब कैदियों में सजा देते हैं, यूं इस प्रकार की लाइट होती है, देखियो ना टीवियों के अंदर, नीचे यूं कुर्सी पर वो बैठा होता है कैदी, पुलिस वाले उसको मारते होते हैं और वो लाइट उसी उसी पे पड़ती है सारी, ऐसे देखे होंगे आपने सीन फिल्मों में। ये वाली लाइट जो है ये कौन सी है अपने पास में, ये कौन सी प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था है, कौन सी है ये प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष करा रहा हूं या प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ही करवा रहा हूं ना, ये प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, सारा प्रकाश किस पे गिर रहा है, इसी पे गिर रहा है, ठीक है। वरना आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी शो चलते हैं है ना, तो एक लाइट चलती है वो एक ही व्यक्ति के ऊपर गिरती है सारी, गिरती है नहीं गिरती है, इधर उधर वो लाइट नहीं जाती, ठीक है। जिसको बोलते हैं उसको कुछ सेलेक्टिव लाइट बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, वो एक गोल सी लाइट होती है और वो एक ही व्यक्ति के ऊपर गिरती है, वो भी कौन सी व्यवस्था है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था है। सारा प्रकाश जो है वो एक ही दिशा में क्या कर दिया जाता है, यूज किया जाता है। लिखो इस हेतु, उपयोग लिखो, आगे लिख दिए, आगे लिखो इस हेतु वी आकार, इस हेतु वी आकार के, इस हेतु वी आकार के रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर को परावर्तक बोलते हैं, इस हेतु वी आकार के परावर्तक का उपयोग किया जाता है, इस हेतु वी आकार के परावर्तक का उपयोग किया जाता है, वी आकार, वी आकार। फिर लिखो अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, लिखो प्रकाश व्यवस्था की इस विधि में, प्रकाश व्यवस्था की इस विधि में साठ से नब्बे प्रतिशत प्रकाश, साठ से नब्बे प्रतिशत प्रकाश भूमि पर तथा 10 से 40 प्रतिशत प्रकाश, 10 से 40 प्रतिशत प्रकाश की हानि हो जाती है, की हानि हो जाती है। उपयोग लिखो, लिखो घरेलू सामान्य कार्य में, घरेलू सामान्य कार्य में विवाह महोत्सव में आगे लिखो तीसरा अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था लिखो इसमें प्रकाश व्यवस्था की इस विधि में संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश ऊपर की ओर होता है, संपूर्ण प्रकाश ऊपर की ओर होता है, आगे लिखो उपयोग इसके सजावटी कार्यों में, सजावटी कार्यों में। फिर आगे लिखो प्रदर्शनियां, देखी आपने प्रदर्शनियां लगी होती है यहां पर, प्रदर्शनियों में होटल में, होटल्स होते हैं ना जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं उनमें लगी होती है छत के ऊपर। फिर मॉल्स में, मॉल होते हैं ना मॉल, शॉपिंग मॉल होते हैं उनमें, शॉपिंग मॉलों में भी यही होते हैं, गंगानगर में सीजीआर मॉल उसमें छत के ऊपर लाइटें चलती है, ठीक है। और बाकी जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें ज्यादातर ये लाइटें लगाई जाती है छत वाली, ठीक है। अब मैं एक सारणी बना रहा हूं, ये सारणी बना लेना, देखी नहीं हुई मेरी, मैं सिर्फ वैसे बता रहा हूं। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था,
ये तो गंगानगर में ही है तो। स्ट्रीट लाइट, हाँ, रिफ्लेक्टर लगाता हूँ उसपे भी। स्ट्रीट नहीं होती, वो स्ट्रीट होती है। स्ट्रेट नहीं, स्ट्रीट। स्ट्रीट इंग्लिश के साथ खेला मत करो भाई। हाँ लिख लो, बिल्कुल लिख लो। ये लो, फ्लड लाइट। हाँ फ्लड लाइट पता है कौन सी होती है? सारी जो लाइटें होती है ना, जिनको मतलब आप वो होती है, एक होती है स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट कौन सी होती है? जो ऐसे अपने लटकाते हैं ऊपर की तरफ, आपने कभी देखा होगा वो सी जगह पर स्पॉट लाइटें लगी होती है। आपको मैं ना एक मतलब एक हाँ हॉस्पिटलों में जो ऑपरेशन थिएटर के ऊपर नहीं लगी होती ऐसे, और उसमें जाली सी लगी होती है, वो फ्लड लाइट होती है। उसके अलावा मैं बताऊं कहां पर होती है, ट्रेन की जो लाइट होती है ना, ट्रेन की लाइट, उसको देखना। फ्लड लाइट वो होती है जिस पे लाइट तो होगी, यूं इस प्रकार से लाइट होगी, बता देता हूं थोड़ा सा आइडिया देखना। इस प्रकार से लाइट होगी, उस पे जालियां लगी होगी, इस प्रकार से फ्लड लाइट इस ऐसे वो होती है। फ्लड लाइट हॉस्पिटलों में भी लगी होती है, बहुत जगह पर लगी होती है। सभी बच्चे ना, मैं आपको ना एक वो भेजूंगा ग्रुप में, उसमें देखना आप, और है ना उनके नाम के अकॉर्डिंग आप लोग सभी है ना गूगल पे सर्च कर करके देखना कि कौन सी लाइट कैसी होती है। पता है क्या होता है, अगर आपको इमेजिनेशन चित्र का होगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये लाइट कहाँ कहाँ यूज होती है। ये देखना जरूर, मैं नाम अभी लिखवाऊंगा आपको। ये नोट कर लिया, जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट ये। उसके बाद लिखो आप लोग अपवर्त रिफ्लेक्टर के प्रकार, रिफ्लेक्टर कितने टाइप के यूज करते हैं वो लिखो। हाँ रिफ्लेक्टर के प्रकार बताता हूं। ये नोट कर लिया, चलो अगली हेडिंग लगा लो रिफ्लेक्टर। मैं तो प्रकार ही लिखवाने वाला था, फिर समझा देता हूं सारा ही। रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर एक होता है रिफ्लेक्टर, सुना हुआ है, और एक होता है डाइवर्टर, सुना हुआ है। डाइवर्टर को बोलते हैं अपवर्तक, क्या बोलते हैं अपवर्तक, यानी रास्ता ही चेंज कर देगा। लेकिन रिफ्लेक्टर वो होता है जो रास्ता चेंज नहीं करता, बस मतलब यहां तक कोई प्रकाश। रिफ्लेक्टर बताता हूं क्या होता है, देखो दसवीं वाला चैप्टर ही पढ़ लेते हैं दोबारा से, समझते रहना। ये भी अपने अगला टॉपिक है, ये कोई सतह है अपने पास में, ये क्या है सतह, इसको तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तल, चाहे प्रकाशिक तल बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो, इसको बोलते हैं प्रकाशिक तल। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक तल बोल दो चाहे अपने पास में प्रदीप्ति तल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। इस प्रकाशिक तल पे इस माध्यम से कोई प्रकाश किरणें आई, समझ में आ रही है बात, ये इनको बोलते हैं कौन सी किरणें? आपतित किरणें। कौन सी बोलते हैं? आपतित किरणें, यानी कि जो माध्यम पर गिरती है वो कौन सी किरणें हैं? आपतित किरणें, ठीक है। ये आने वाली किरणें सारी आपतित है और ये इस माध्यम से टकराई, मैंने इस माध्यम पर एक परावर्तित पदार्थ का कोटिंग किया हुआ है। क्या किया हुआ है? परावर्तित पदार्थ का कोटिंग, तो ये किरणें टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इन किरणों को बोला जाता है परावर्तित किरण। क्या बोला जाता है? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड किरणें। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड किरणें, ठीक है। जैसा कि आप लोग एक टॉर्च को अगर मिरर के अंदर
शो करते हो तो वो मिरर से टकरा कर वापस आ जाती है ना, टॉर्च की लाइट होती है जो, है कि नहीं है? ठीक है, जैसा कि आप लोग एक मिरर के सामने खड़े होते हो तो अपना ही जो दृश्य है वो कहां पर बन जाता है? मिरर के अंदर बन जाता है। वो भी किसके कारण होता है? रिफ्लेक्टर के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि अपने प्रकाश की किरणें उस पर गई तो वो वहां पर क्या बन गई? अपनी इमेज बन गई, आभासी प्रतिबिंब बन गया अपना। ठीक है, बन गया ना आभासी, और दाई साइड माई साइड, और माई साइड दाई साइड। समझ में आ गई बात ये? उसके अलावा एग्जांपल अगर आप और भी देखें तो आपने जैसे मान लो, वरना आपके घर में आपके सभी के पास फोन है, ठीक है, एक शीशा लेना, पहले के टाइम में ऐसे करते थे लोग, कोई भी संदेश या भेजना होता था ना कहीं पर, तो या फिर संदेश भेजना होता था या फिर क्या करते थे, जैसे मान लो महलों में लाइट तो होती नहीं थी उस टाइम पे, तो सभी जगह पर लाइट को कैसे पहुंचाया जाए? तो वो किसका यूज कर सकते थे? रिफ्लेक्टर का यूज करते थे। यानी कि महल की ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा प्रकाश आता है वहां पर एक बड़ा सारा रिफ्लेक्टर लगा देते थे, और उस रिफ्लेक्टर को अलग अलग रिफ्लेक्टरों के थ्रू, जैसे वहां से किरण टकराएगी उस पे जाएगी, फिर वहां से उस कमरे में चली जाएगी, ऐसा सिस्टम होता था, वो सारे प्रकाश का परावर्तन होता था। ठीक है, तो ये प्रकाश का क्या हो गया? परावर्तन। अब ये जो सतह है ना, ये किसका काम कर रही है? परावर्तक का काम कर रही है। सतह किसका काम कर रही है? परावर्तक का। समझ में आ गई बात ये? अगर मैं यहां इस परावर्तक पदार्थ की कोटिंग नहीं करता तो सारी प्रकाश किरणें क्या आ जाती? इसके अंदर आ जाती। ठीक है, अंदर आ जाती तो ये अपवर्तन हो जाता। ये क्या हो जाता? अपवर्तन हो जाता, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती। समझ में आ गई बात ये? ठीक, अब देखो, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा बता देता हूं। परावर्तन गुणांक आएगा आगे अपने, क्या आएगा? परावर्तन गुणांक। तो आपतित किरण या परावर्तित किरण और आपतित किरण का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? परावर्तन गुणांक कहलाएगा। फिर आएगा अवशोषण गुणांक। क्या आएगा? अवशोषण गुणांक। मतलब ये सारी किरणें आई और सतह ने कितनी अवशोषित कर ली अपने अंदर? मतलब 10 किरणें आई, 8 चलेगी तो अवशोषित कितनी हो गई? 2। तो अवशोषण गुणांक आ जाएगा। अवशोषित किरण और आपतित किरण का अनुपात हमेशा ज्यादा कौन सी होगी? आपतित किरण। और कम कौन सी होगी? अवशोषित किरण, अपवर्तित किरण। ये सारी क्या होंगी अपने पास में? कम होगी। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, पारेषित किरण क्या होती है? पारेषण गुणांक क्या होता है कि आने वाली किरणों में से कितनी किरणें आगे जा चुकी है, भेजी जा चुकी है, वो कौन सा गुणांक होता है? पारेषण गुणांक। जैसे 10 आई और 8 आगे चली गई तो वो पारेषण गुणांक हो गया। पारेषण का मतलब क्या होता है? संचरण करना, आगे भेजना। आगे बात समझ में? अब लिखो रिफ्लेक्टर क्या होता है। लिखो लिखो, यह एक माध्यम होता है जो जो प्रकाश किरणों का एक माध्यम होता है जो प्रकाश किरणों का हेलो गुड मॉर्निंग जी एमजी सेट हाँ जी हाँ जी ठीक है। लिखो रिफ्लेक्टर में क्या लिखा है मैंने? यह एक माध्यम होता है जो प्रकाश किरणों का परावर्तन करता है। इस पर परावर्तक पदार्थ जैसे सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। कोटिंग का मतलब होता है लेपन करना। कोटिंग की जाती है प्रकार। लिखो इसके। अब समझ आ गया परावर्तक क्या होता है? समझ आ गया ना? अब लिखो प्रकार इसके। पहला प्रकार लिखोगे परिक्षेपी परावर्तक, दूसरा लिखोगे दर्पण परावर्तक, दर्पण परिक्षेपी
परवल्य परवल्य, ये परवल्य है, परवल्य। परवल्य किसको बोलते हैं? परबोला को बोलते हैं, परवल्य प्रकार का अपवर्तक। इनमें लिखवाऊं क्या? जरूरत नहीं है, नाम पता होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वी आकार का रिफ्लेक्टर देखा आपने? वी आकार का रिफ्लेक्टर, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन जो है वो वी आकार। वी आकार का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इस पर एक केंद्र पर प्रकाश आ जाता है। किस पर आ जाता है? एक केंद्र पर, यानी प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के रिफ्लेक्टर का यूज किया जाता है? वी आकार के रिफ्लेक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, एक अपने पास में रिफ्लेक्टर आता है सीधा, यू प्रत्यक्ष एकदम सीधा, तो इसमें प्रकाश जो है वो बिल्कुल क्या रहेगा? इस प्रकार से सीधा रहेगा। एक निश्चित बिंदु पर प्रकाश जो है वो केंद्रित नहीं हो सकता। ये जो रिफ्लेक्टर होते हैं इसमें निश्चित बिंदु पर प्रकाश का, जो बाइक वाले लाइटें हैं आपके पास में, बताता हूं देखना, कभी देखना अगर किसी को मौका मिले तो, बाइक का जो लैंप होता है ना, इस प्रकार से मान लो लैंप है ये बाइक का, इस लैंप के ऊपर आगे की तरफ यूं कोटिंग करी होती है, होती है ना कोटिंग करी, ठीक है, और ये आपके पास में फिलामेंट होता है इस प्रकार से, बाइक की लाइट जो होती है, ठीक है, इस लाइट के ऊपर यूं पिन्ने निकाल के और फिर बाद में यहां पर अपने पास में क्या लगा होता है? रिफ्लेक्टर लगा होता है ना, इस प्रकार से रिफ्लेक्टर, ठीक है, यूं बाइक का रिफ्लेक्टर होता है। अब देखो यहां पर परावर्तित पदार्थ जो है, या जो आपके पास रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टिव जो है, उसकी पदार्थ की परत क्यों चढ़ाई? क्योंकि प्रकाश किरणें सीधी नहीं जानी चाहिए, अगर सीधी चली जाएगी तो फिर अपने पास में इसका कोई मतलब ही नहीं है। है क्या कोई मतलब? नहीं है। अब क्या होगा, ये जो प्रकाशित होगा ये सारा प्रकाश किस पे डालेगा? इस परावर्तक पर, और ये परावर्तक सारा प्रकाश किस पे डालेगा? ऊपर वाले परावर्तक पर, इस तरफ से। आगे बात समझ में ये, ठीक है, फिर ये इसका रिफ्लेक्शन करके कहां देगा सारा प्रकाश? आगे की तरफ देता है, इस प्रकार से। आगे बात समझ में, ये मेथड होता है बाइकों में, गाड़ियों में, जो हेडलाइट होता है उनका सभी का। और आप कभी भी देख लेना, किसी भी हेडलाइट की जो लाइट होती है ना, वो अपने घरेलू बल्ब जैसी नहीं होती बिल्कुल भी। उसके आगे ब्लैक कलर का एक बिंदु सा लगा होता है। क्यों लगाते हैं? वो रिफ्लेक्टर होता है आगे से, ब्लैक की होती है उसको, वो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई होती है इसके ऊपर, ताकि प्रकाश यहां से टकरा के रिफ्लेक्टर पे जाए और रिफ्लेक्टर से फिर कहां पहुंचे? आगे पहुंचे। समझ में आ गई बात ये? इसके अलावा आप लोग डिप भी करते हो लाइट को, डिप का मतलब ज्यादा दूरी तक पहुंचाते हो, तो आप क्या करते हो? ज्यादा प्रकाश को इस प्रकार से कर देते हो कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश कहां पर पड़े? यहां पर पड़े, तो वो और ज्यादा दूरी तक चला जाता है प्रकाश, जिसमें हमने बोलते हैं ना डिपर दे रहे हैं, रात्रि में डिपर का यूज करें, ठीक है। वो सारा खेम किसका होता है? रिफ्लेक्टर का होता है, और कुछ भी नहीं होता। लाइट थोड़ा अलग अलग होती है, सारा गेम किसका होता है? रिफ्लेक्टर का। तो लिखो सर्वाधिक उपयोग दर्पण प्रकार के, सर्वाधिक उपयोग दर्पण प्रकार के परावर्तक का किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग दर्पण प्रकार के परावर्तक का किया जाता है। दर्पण प्रकार के परावर्तक का किया जाता है और ये देखे हुए सारे जो बाइक वगैरह में होते हैं, वी आकार के होते हैं, वो सारे दर्पण प्रकार के होते हैं। आगे लिखो कुछ परिभाषाओं में से, पहली परिभाषा लिखो परावर्तन गुणांक, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन फैक्टर। परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन फैक्टर। चित्र बनवाऊं या जरूरत नहीं है? बनवाएं, चलो लिखो फिर। परावर्तन गुणांक में लिखो परावर्तित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश का अनुपात अनुपात परावर्तन गुणांक कहलाता है। परावर्तन गुणांक कहलाता है। इसका मान एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा? एक से कम, क्योंकि बट्टे में क्या चल रहा है आपके पास में? आपतित प्रकाश, और इसका मान हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। ये क्या है आपके पास? देखो बताता हूं,
प्रकाश स्रोत पता है आपको, जो प्रकाश किरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, वहां से जितनी प्रकाश किरणें निकलती है, ये जरूरी तो नहीं है ना कि सारी यहां पर पहुंचेगी, कुछ का तो लॉस होगा ना अपने पास में। तो आपतित प्रकाश ज्यादा होता है और प्रावर्तित प्रकाश क्या होता है, कम होता है, इसलिए प्रावर्तन गुणांक का मान एक से क्या होगा, कम होगा। लिख लो, पहले ये लिख लेना, डायग्राम बना देना आप लोग, फिर इसके नीचे लिख देना, फॉर्मूला भी लिख देना और ये भी लिख देना, परावर्तन गुणांक बराबर, परावर्तित प्रकाश पट्टे में आपतित प्रकाश का मान एक से क्या होगा, ऐसे लिख देता हूं मैं, एक से कम, ये एक आ गया ना यहां पर, एक से कम होगा इसका मान। फिर आगे लिखो दूसरा, अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्वेशन फैक्टर, एब्जॉर्वेशन फैक्टर, अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्वेशन फैक्टर किसी, अवशोषण गुणांक, अब्जॉर्वेशन फैक्टर किसी प्रकाशिक तल, किसी प्रकाशिक तल के द्वारा अवशोषित प्रकाश व के द्वारा अवशोषित प्रकाश व अवशोषित प्रकाश व आपतित प्रकाश, अवशोषित प्रकाश व आपतित प्रकाश का अनुपात, का अनुपात गुणांक पढ़ रहे हैं अपने गुणांक में अंतर नहीं आता, रेशियो आता है हमेशा। और ये कौन सा प्रकाश हो गया, ये अवशोषित प्रकाश हो गया, ठीक है, अवशोषण कर लिया इस सतह ने इस प्रकाश का, तो ये हो गया अवशोषित प्रकाश और आपतित प्रकाश का अनुपात, और इसका मान भी क्या होगा, एक से कम, इसका मान भी क्या होगा, एक से कम। हाँ, अवशोषित प्रकाश, एब्जॉर्वेशन लाइट हो गई है, कुछ सतह ने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर लिख देना, अवशोषण गुणांक का मान एक से कम होता है, इसका मान भी एक से ही कम होगा। हो गया, आगे लिखो तीसरा, यहां लिख देता हूं मैं, पारेषण गुणांक, पारेषण गुणांक, पारेषण गुणांक, क्या चैप्टर है ये, परिभाषाएं परिभाषाएं सारी, पारेषण गुणांक खत्म कर देंगे इसको दो तीन दिन के अंदर अंदर आगे इसमें आएगी इंटरेस्टिंग चीजें, लाइटें आ जाती है ना, वो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अभी तो इसमें ये चलना है। पारेषण गुणांक में लिखो, पारेषण क्या होता है भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन फैक्टर, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन फैक्टर, ट्रांसमिशन से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये, ट्रांसमिशन फैक्टर लिख दो इसमें, या ट्रांसफर फैक्टर। आपतित प्रकाश तथा तथा पारेषित प्रकाश का अनुपात, आपतित प्रकाश तथा पारेषित प्रकाश का अनुपात, पारेषण गुणांक कहलाता है,
एक तरीके से और भी बोल सकते हैं अपने इसको, बोल कैसे सकते हैं, कोई भी जो प्रकाश स्रोत होता है उसके द्वारा उत्पन्न प्रकाश, कौन सा प्रकाश, उत्पन्न प्रकाश, और उत्पन्न प्रकाश में से उसने कितना पारेषित कर दिया, उत्पन्न प्रकाश और पारेषित प्रकाश का अनुपात भी क्या कहलाता है, पारेषण गुणांक कहलाता है। ठीक है, इसका मान लिख दो एक से कम होता है, इसका मान भी एक से कम होगा। हाँ, उत्पन्न, मैंने इसे बोला पारेषित, उल्टा लिखा दिया क्या मैंने, हाँ पारेषित बट्टे आपतित करना है आपको, ये लिखा है क्या मैंने, आपको वैसे लिखना है पारेषित प्रकाश और आपतित, बट्टे में तो हमेशा किसको चलने देना है, आपतित को ही चलने देना है बस। पारेषित मतलब जो चला गया, भेज दिया जिसने। ठीक है, जैसे ये साफ कर दूं, ये बड़ा आपतित प्रकाश नहीं लेना अपने को, आपतित तो आपतन में लेना है। अब देखो यहां पर अपने पास है दो दो बात की परिभाषाएं बोलता हूं, ये अपने पास सोर्स है, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, इस लाइट से उत्पन्न प्रकाश होगा, कौन सा प्रकाश होगा, उत्पन्न प्रकाश, आगे बात समझ में। अब जो उत्पन्न प्रकाश है उससे कितना प्रकाश किसी माध्यम तक पहुंचा, इसने पारेषित कर दिया प्रकाश को। ठीक है, तो यहां से लाइट की रेज जाएगी अपने पास में, एक तो इस तरीके से ले सकते हैं अपने इसको कि प्रकाश स्रोत से पारेषित होने वाले प्रकाश तथा उत्पन्न प्रकाश का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, पारेषण गुणांक। या अगर उस तरीके से पढ़े तो ये जो सतह है इस सतह पर आपतित प्रकाश और फिर कुछ क्या हो गया, यहां से वापस चला गया। ठीक है, तो जितना गया पारेषित प्रकाश, जितना आया था आपतित प्रकाश का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, पारेषण गुणांक कहलाता है, और इसका मान भी क्या होगा, एक से कम होगा। ठीक है, ये भी नोट कर लो। फिर आगे लिखो उपयोगिता फैक्टर, उपयोगिता गुणांक, अरे बहुत है गुणांक, उपयोगिता, उपयोगिता गुणांक, उपयोगिता गुणांक, उपयोगिता गुणांक, उपयोगिता का मतलब क्या हो गया, कितना प्रकाश का आपने यूज कर लिया और कितने में से कर लिया, टोटल 100 था, 20 का यूज कर लिया, 80 का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो बटे में कौन सा आएगा, उत्पन्न प्रकाश, ऊपर कौन सा आएगा, उपयोगी प्रकाश, लिख दो उपयोगी प्रकाश तथा, उपयोगी प्रकाश तथा उत्पन्न प्रकाश, उपयोगी प्रकाश तथा उत्पन्न प्रकाश का अनुपात, उपयोगी प्रकाश तथा उत्पन्न प्रकाश का अनुपात, अनुपात, उत्पन्न प्रकाश का अनुपात उपयोगिता गुणांक कहलाता है, उपयोगिता गुणांक कहलाता है, इसका मान भी एक से कम होता है, इसका मान भी एक से कम होता है, इसका मान भी एक से कम होता है। अब इसके बाद है ना बहुत सारी और परिभाषाएं भी हैं, जैसे कि एक जो अपने पास में जो होती है ना, क्या बोलते हैं, कैंडल होती है, मानक कैंडल क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में एक लाइट आती है अपने पास में चकाचौंध वाला प्रकाश कौन सा होता है। ठीक है, उसके बाद में लाइट इंटेंसिटी कितनी कितनी है, फिर कुछ परिभाषाएं और आ जाएगी अपने पास में। मेन मेन परिभाषाएं तो मैंने लिखवा दी आपको, जिसमें से एग्जाम आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन फ्लक्स पे आ जाते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ठीक है, या ल्यूमेन जो होता है वो किसका मात्रक होता है, या फिर कई बार ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर पूछ लेता है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ज्यादातर तो यही क्वेश्चन मिलता है आपको। ठीक है, कुछ एक और है अपने पास में, जैसे प्रकाश या ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जगह ल्यूमिनस एफिशिएंसी आ जाएगा, प्रकाश या प्रदीप्ति की दक्षता वो किस में लेंगे, ल्यूमेन प्रति वाट में। ठीक है, वो कल पढ़ेंगे अपने। फिर आ जाएंगे अपने पास में ल्यूमेन के संबंधित नियम, प्रदीप्ति से संबंधित नियम, दो नियम पढ़ेंगे अपने इसके अंदर, एक तो नियम पढ़ेंगे अपने इसके अंदर, कौन सा नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, और दूसरा पढ़ेंगे अपने लंबर्ट कोसाइन, क्या पढ़ेंगे, लंबर्ट कोसाइन, या कोसाइन को क्या बोलते हैं, कोज्या का नियम, लंबर्ट का कोज्या नियम, एक ये पढ़ेंगे अपने। कोज्या का मतलब क्या होता है, कोस थीटा, कोज्या का मतलब क्या होता है, कोस थीटा, सिंपल सा बता देता हूं इनके बारे में आपको। देखो कोई भी प्रकाश स्रोत है, आप सभी इन चीज को ऑब्जर्व करते हो, आप सभी इन चीजों को ऑब्जर्व करते हो डेली लाइफ में, लेकिन आपको पता नहीं होता ये क्या चल रहा है। ये अपने पास सोर्स है,
ये अपने पास क्या है, प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर मैंने एक प्लेट रख दी या कोई भी मान लो एक वस्तु रख दी, आगे बात समझ में आई ठीक है। इस वस्तु की जो दूरी है यहां से यहां तक, ये क्या दूरी है, डी दूरी है कि नहीं है। ये वस्तु जो प्रकाश स्रोत से डी दूरी पर रखी हुई है, जैसे जैसे आप इसकी दूरी बढ़ाओगे, इस वस्तु पर प्रकाश की तीव्रता जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, होती जाएगी या नहीं होती जाएगी ठीक है। ये बोर्ड ही समझ लो, ये बोर्ड अपने पास वस्तु है और ऊपर क्या है, प्रकाश स्रोत है। वहां से प्रकाश किरणें किस पर गिर रही है, बोर्ड पर गिर रही है। अगर इस बोर्ड को मैं यहां से और दूर लेके जाऊंगा तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर और दूर लेके जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे पहले हमने लाइटें पीछे वाली उस पर लगाई थी बीम पर, तो यहां ब्राइटनेस कम हो गई, साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमने क्या कर दिया, आगे वाले बीम पे लगा दी। क्यों लगाई, ताकि प्रकाश की तीव्रता जो है वो इस वस्तु पर क्या हो सके, बढ़ सके। आगे बात समझ में, पहली चीज। दूसरी बात, इसने ये बोला कि इसके साथ साथ जो ये एंगल दिखाई दे रहा है ना अपने को, ये वाला थीटा कोण जो है, इस पर भी प्रकाश जो है वो क्या करता है, निर्भर करता है। पहला नियम तो है व्युत्क्रम वर्ग का नियम, यानी उत्पन्न होने वाले प्रकाश या प्रकाश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो वस्तु की दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। स्रोत से वस्तु के दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। और उनके बीच की एंगल की कोज्या, यानी कोज्या का मतलब क्या हो गया, उनके बीच के एंगल का कोस थीटा जो है उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। कोज्या का मतलब क्या होता है, कोस थीटा। समझ में आ गई बात। ये दो नियम आते हैं, किससे संबंधित है ये दोनों नियम, प्रदीप्ति से संबंधित दो नियम है। एक तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, एक लंबर्ट कोसाइन लॉ है। ये दोनों कल पढ़ेंगे अपने, इसके बाद अपने लैंप शुरू कर देंगे ठीक है। लैंप इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा, उसमें अपने डिटेल से पढ़ देंगे सारी बातें ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ एक मिनट, टेस्ट दोपहर को कितने टाइम क्लास खाली होती है, बीच में कितने बजे तक? कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी को आप तो आ जाओगे, लेकिन 26 जनवरी को नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ये तो आपको पता है गवर्नमेंट हॉलीडे है। आज शाम को चलो देखेंगे, फिर पोस्टपोन्ड है टेस्ट, फिर मंडे को हो भी सकता है, संडे को तो नहीं हो पाएगा, मंडे को ही होगा फिर 4 बजे के बाद।